हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं आप लोगों को प्रमोशन किया गया है, ठीक है। तो नए क्लास में आप लोग आए हैं, आप लोग पास नया नया बुक भी होगा, ठीक है। फिर हम लोग नए क्लास के साथ, नए सेशन के साथ हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर क्या है, द स्टोरी टेलर। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, एक कहानीकार, जो कहानी कहता है उसको क्या कहते हैं, स्टोरी टेलर। जैसे हमारे घर में दादी हुए, दादा हुए, नाना नानी, ये सब क्या होते हैं, हमें बहुत सारे कहानियाँ सुनाते हैं। सुने भी हुए आप लोग, आपके दादा जी सुनाए भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दादा दादी ही कहानी सुनाते हैं, बहुत सारे लोग कहानी सुनाते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी टेलर। इट वॉज ए हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरेज वॉज सल्ट्री। वह कैसा समय था, वह एक दोपहर का समय था, बहुत ही गर्म। और दोपहर का समय ऐसा था जो कि बहुत ही गर्म था। ऐसे भी दोपहर का समय जो होता है, धूप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। एंड द रेलवे कैरेज वॉज सल्ट्री, और जो रेलगाड़ी का डब्बा जो था बहुत ही उमस भरा था। तो जो गर्मी होगी बाहर में, गर्मी होगी, इतना दोपहर का समय था तो गर्मी होगी, गर्म होगा ही अंदर, ठीक है, रेल का डब्बा। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वेयर अ स्मॉल गर्ल, अनदर स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय। तो उस डब्बे में जो सवारी था, एक लड़की थी और फिर उससे भी छोटी लड़की थी और एक छोटा लड़का था, ठीक है। एंड अन बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रेन ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट, और एक चाची थी, आंटी जो थी, वह सभी चिल्ड्रेन से, वो सारे बच्चों से क्या हो रही थी, बिलोंग कर रही थी, मतलब कुछ लग रही होगी, मम्मी माँ होगी उस तीनों बच्चे की। तो कौन कौन था, दो लड़की थी, एक छोटा बच्चा था, ठीक है। वन कॉर्नर सीट, और किसी सीट के कोने में बैठा था। एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द अपोजिट साइड वॉज ऑक्यूपाइड बाई अ बैचलर हु वॉज अ स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी। और दूसरे कॉर्नर में, उनके सामने दूसरे कॉर्नर में, अपोजिट साइड में, एक बैचलर के द्वारा, बैचलर मतलब क्या होता है, अविवाहित व्यक्ति, जो कि उन लोगों से क्या था, अपरिचित था, अजनबी था, ठीक है, जो बैठा था उनके आगे वाले सीट पर, ठीक है। Both the aunt and the children were conversational in a limited persistent way, reminding one of the attention of a housefly that refuses to be discouraged. और दोनों माँ बच्चे जो थे आपस में बातचीत कर रहे थे और घर के मक्खी के बारे में बता रहे थे, याद दिला रहे थे उनको कि जो मक्खी होता है, देखियो घर में जो मक्खी होता है कभी भी इनकार नहीं मानता, कभी भी वह कोशिश करने से वह कभी भी इनकार नहीं मानता है, वह कभी भी डिस्करेज नहीं होता है, मतलब कि कभी भी वह हिम्मत तोड़ने के लिए मजबूर नहीं होता है, समझे। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम टू बिगिन विद डोंट, द बैचलर सेड नथिंग। डोंट साइरिल, डोंट, एक्सक्लेम्ड द आंट एज द स्मॉल बॉय बिगेन स्मैकिंग द क्यूशन ऑफ द सीट, प्रोड्यूसिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट एट ईच ब्लो। तो जो आंटी थी, जो उन लोगों की माँ थी, उन बच्चों की माँ थी, वो जब भी कुछ बोलती तो मना करने के लिए ही उनके मुँह से कुछ आवाज़ निकलता, बातें निकलती, कुछ भी चीज़ मना करने के लिए, ये नहीं करो, वो नहीं करो। जैसे कि साहिल जो था, एक उसका लड़का जो था, साहिल जो था, वह क्या करने लगता है कि अचानक से वह ट्रेन का जो सीट पर जो गद्दी होता है उसको क्या करता है, पीटने लगता है अपने हाथों से। जैसे ही पीटना शुरू करता है तो उसमें जब पीटेगा तो उसे गर्दा निकलेगा, तो उस डस्ट से क्या होता है, पूरा क्लाउडी वहाँ पर पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है। तो उससे बैचलर जो है उसे बोलता है, ऐसे मत करो, मना किया बैचलर, ठीक है। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो सी एडेड, और उन लोगों की माँ जो थी उस लोगों को बुलाई और बोली, साहिल को बुलाई और बोली कि आओ इधर और खिड़की के बाहर देखो। द चाइल्ड मूव रिलक्टेंटली टू द विंडो। वाई आर दो सीप बींग ड्राइविंग आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्ड। तो जो बच्चा था
वह अनिच्छापूर्वक, उसकी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की, फिर भी वह वहाँ गया और वहाँ जाते ही पूछा क्या कि वाई आर दिज दो शिप बींग ड्राइविंग आउट ऑफ दैट फील्ड। तो उसने पूछा कि ये जो भेड़िया जो है उसे इस फील्ड से क्यों भगाया जा रहा है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट दे आर बींग ड्राइविंग टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द अंट वीकली। और मैं जैसा सोचती हूँ उसे किसी दूसरे फील्ड में ले जाया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो, ठीक है। लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में बोली चाची, लेकिन बच्चा जो है विरोध करते हुए बोलता है, कहता है क्या, लेकिन इस क्षेत्र में तो बहुत सारा घास है, इस फील्ड में बहुत सारा घास है, वहाँ कुछ नहीं। बताता है बच्चा, देखता है तो बोलता है क्या, वहाँ तो कुछ नहीं लेकिन घास तो बहुत सारा है। अंश देयर लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, बोलता है आंटी को कि यहाँ पर तो बहुत सारा ग्रास है फील्ड में, फिर भी क्यों ले जाया जा रहा है। तो फिर चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।